हमारी गाड़ी के नीचे आने वाली थी, फिर रो रही थी, चिल्ला रही थी काफी ज्यादा। और इसके साथ एक बप्पी देखा तो मरा हुआ था, किसी ने ऐसे फेंका हुआ था उसे। तो मैंने कहा इसका भी फिर वही हाल होने वाला है, ये पूरा पैरालाइज है। आपको किसी पता पैरालाइज है? पैरालाइज रही, चल नहीं पा रही, या नहीं पता की फ्रैक्चर है, ऐसे लग रहा था पैरालाइज कॉटन जो है ना थोड़ा गीला करके अगर आप रब करो उससे भी ठीक हो जाती है। तो अडॉप्ट भी नहीं होती है, जो भी रीजन रहेगा तो आप चाहे रेलू में रिलीज कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसका नाम ना टफी रख देना, ठीक है जी। मेरा डॉग था ना, 11 साल का एक्सपायर हो गया था। सपना आ रहा है ना इसको, शायद सपने में माँ का दूध पीने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक कर रही है। इसका नाम वो कह रहे हैं भैया, अगर ये बच जाती है तो इसका नाम टफी रखो। टफी 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 भाई, ये एरिया सोल्ड है पूरा। बेसिकली हम जो ये क्लैंप्स का यूज जब करते हैं या पिंच जब करते हैं, हम नर्व्स को चेक करते हैं। तो नर्व्स के दो टाइप्स हैं बेसिकली, सेंसरी और मोटर नर्व्स जो होती हैं। जो मोटर नर्व्स हैं वो किसी भी तरीके के मूवमेंट या चलने फिरने के लिए, और बाकी जो है सेंसरी नर्व्स जो होती हैं किसी भी तरीके का मतलब फीलिंग ऑफ पेन उसमें इंपॉर्टेंट होता है। अगर उन दोनों में से कौन सा डैमेज है, अगर सेंसरी नर्व डैमेज है तो डॉग थोड़ा बहुत पैर वैर लगाएगा, लेकिन उसको जैसे हम क्लाइंब करेंगे फीलिंग नहीं होगी, पेन नहीं होगा। हाँ, अगर मोटर नर्व्स डैमेज है तो बैठ ही जाएगा ना, वो यूज ही नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ भी एग्जामिन करने के बाद पता चला कि इसका पेल्विक फ्रैक्चर है, एक या दो फ्रैक्चर हमें फील हुए हैं, और उसकी वजह से उसके स्टमक में कॉन्स्टिपेशन का इशू भी आ रखा है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए और जो स्वेलिंग हो रखी है उसको कम करने के लिए हमने सिरप्स और इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। देखेंगे कि एक दो दिन में इसको एक्सरे के लिए ले जाया जा सके। पैरालिसिस अभी नहीं बोल सकते हैं, सेमी पैरालिसिस आप कह सकते हैं या पार्शियल पैरालिसिस कह सकते हैं, लेकिन विद टाइम ये पैरालिसिस इम्प्रूव होती है या कम होती है ये तो हमें बाद में ही लगेगा पता। क्या ढूंढ रहा है अक्षित भाई? दूध ढूंढ रहा है। बीते कुछ दिनों में इसका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन रह रहा था, जिसकी वजह से हम इसको स्पेशली ओटी रूम के अंदर हीटर्स के सराउंड में इसको रख रहे थे। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी हो रही थी, तो डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए हमने इसको फ्लूड थेरेपी स्टार्ट कर दी। जब हमने इसको एग्जामिन किया तो इसमें चेस्ट इन्फेक्शन भी पाया गया, जिससे इसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आज हमने फिर से री एग्जामिन किया है, चेस्ट इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट है। अभी बबली की तबीयत काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक है। स्टेप चढ़त वाली है, चलो बबली तो यहाँ पे पैदा हुई है तो जब तक ये है हमारे साथ ही रहेगी, पर राजकुमारी को हम रानी के साथ ही रिलीज करेंगे, क्योंकि जैसा लोग कह रहे हैं कि उसको आप रख लो, अगर इमोशनल होकर हमने उनकी बात मान ली तो सालों साल तक हमारा एक ऐसा स्पॉट बुक हो जाएगा जिसमें हम सैकड़ों और जानवरों की मदद कर सकते हैं। पीपल फैन के बारे में बेसिकली मुझे अपनी मॉम से पता चला था, शी वॉज अ बिग फैन, उन्होंने सारा इंस्टाग्राम आपका हैंडल देखा हुआ है, तो उसमें से अभी रिसेंटली वीकेंड का भी पोस्ट आया था, तो हमने सोचा कि एक बार आके देखें कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट काइंड ऑफ इंस्पायर्ड अस ऑल्सो कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो जैसे ही वीकेंड को देखा अभी बोला कि वी हैव टू डू आवर बेटर, जितना हेल्प कर सके उतना करें। कोई भी इशू आएगा, कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वापस शूट करने के लिए, बस आप मुझे एक दिन पहले कॉल करना था कि मैं जगह बना लूँ। वो ट्राई फॉस्टरिंग से कर रहे हैं एंड दे सेड कि वो लोग कोशिश करेंगे कि अडॉप्ट हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पिछले एक मंथ से देख रही थी यहाँ पे, इसको जब रेस्क्यू करने आती हूँ मिलता ही नहीं है। इसको ट्यूमर हुआ है एब्डोमिनल एरिया में ना, तो उसकी स्किन फट गई है, बट ट्यूमर अभी फटा नहीं है, तो ऑपरेट हो जाएगा तो टाइम से बच सकता है। जी हाँ, मैं कॉल आई थी उस बंदे से, मैं पूछ रहा था तो उसने मुझे बताया कि ये एक किसी का पेट है और इसके ओनर जो हैं वो किसी सिलसिले में पूरे के पूरी फैमिली जो है अरेस्ट हो चुकी है, एक साल हो गया लगभग, तो इसकी वजह से ये डॉग जो बेचारा आवारा हो गया था। वेलकम टू पीपल होम। CMM पेल है ट्यूमर के अंदर, बस इसमें जो सबसे मेजर इशू है वो ये ट्यूमर है, इसका साइज इंक्रीज उतना हो चुका है और बर्स्ट भी हो चुका है जिसके अंदर पस भी है। तो अभी हमने इसके ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल्स ले लिए हैं, देखेंगे कि कितने पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। अगर सारे पैरामीटर्स सर्जरी के लिए फिट बैठते हैं, एक या दो दिन में इसकी हम सर्जरी कर देंगे ट्यूमर रिमूवल की। क्या एलोपेशिया है, डेंड्रफ भी है, देखने से लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा पैरासिटिक इन्फेक्शन है, क्योंकि जो पैचेस बने हैं वहाँ पे थोड़े बहुत हेयर्स अभी भी है,
ब्राइट सनी डे होगा उस दिन हम इसको मेडिकेटेड बाथ दे देंगे। आ गई तो दोबारा, अब क्यों आई है? फिर से कान सड़ा के आई है? कितनी बार आना तुम्हें है? कितनी बार करना है ऐसे काम तूने? कितनी बार करेगा ऐसा काम तू? बार बार ये काम है तेरा? कितनी दवाइयाँ खिलाएंगे तेरे को? कितनी बार ठीक करेंगे? जितनी बार तुम ठीक करके भेजो उतनी बार दोबारा आ जाती है। तो आ जाती, देखो पता है कहाँ ठीक होना मैंने, ये देखो पता रहता है ना। अंडे तो कहीं पर दिख नहीं रहे मेरे को ना, वैसे नहीं मैगेट्स ही हैं सारे। एक बार मैगेट्स निकल जाएंगे फिर पट्टी अच्छे से हो जाएगी ना, इसको फिर पट्टी में कुलकुल मची रहेगी है, पट्टी करेगा कपाड़ा, क्योंकि एवमेटिन डालेंगे तो थोड़ा मैगेट्स मरेंगे ना फिर। बस हो गया, हो गया, बस बच बच बच। ओए ओए, बड़ा गुच्छा आ रहा है, बड़ा गुच्छा, बीमार हो गया, चलाता है बस, जाने के भी जल्दी। जामड़ू 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 जामड़ू, रुक जा। ये क्या है, उसका पॉट्टी का फायदा उठा रहे हो? यही कर सकती हूँ मैं इससे ज्यादा। फाइनली हम लोग मॉब को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिला अभी तक। हमने बहुत कोशिश की कि हम इसको थोड़ा सा टाइम दे पाएँ, समझ पाएँ, लेकिन इसका बिहेवियर कभी भी चेंज हो जाता है। उसके अलावा हमने अडॉप्शन के लिए भी ट्राई की, कई लोगों ने बोला कि वो आएंगे, वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी लेना चाह रहे हैं डॉग को, बस बात हुई और कोई आया नहीं आगे। तो फाइनली हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि और भी पेंडिंग केसेस हैं हमारे जिनमें जानवरों को हमारी ज़रूरत है, और जगह के चलते हम लोगों को इसको रिलीज़ करना पड़ रहा है। मॉब के लिए बहुत से लोगों ने ट्रेनर सजेस्ट करे थे, कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि वो उसकी ट्रेनिंग के लिए फंडिंग भी देंगे, पर जब हमने ट्रेनर से बात करी तो उन्होंने कहा पहले ज़रूरी है कि मॉब एक स्टेबल एनवायरनमेंट में हो, यानी कि मॉब एक घर में हो, ताकि मॉब को और उसके घर वालों को ट्रेन किया जा सके। लेकिन हमें मॉब के लिए कभी कोई घर मिला ही नहीं। एक मीटर 60 ठीक है, 130 आज हमने सभी लार्ज एनिमल्स का लेंथ और गर्थ लिया ताकि हम एग्जैक्ट बॉडी वेट उन्हें निकाल सकें। इसकी हेल्प ये रहती है कि हमें एग्जैक्ट डोसेज में हेल्प मिलती है जब हमने ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना होता है, जिससे कि अंडर डोजिंग या ओवर डोजिंग का खतरा नहीं रहता। प्लस हम ब्लड सैम्पलिंग भी कर रहे हैं सभी एनिमल्स की, क्योंकि हमें कुछ एनिमल्स में एनीमिया और लिवर डैमेज मिला है, तो हम एक बार फुल एनिमल्स को स्क्रीन कर रहे हैं। प्लस हम ब्लड में एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन ऐसा ब्लड में हो जो फ्लरिश कर रहा हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसी के बेस में हमारी फिर आगे ट्रीटमेंट चलेगी। इसको थोड़ा उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम इसका थोड़ा चेकअप कर रहे थे। इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा लो आया है, प्लस थोड़ी इसको डिहाइड्रेशन भी है, तो एक बार ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा थोड़ा सा एनीमिया का ज़्यादा क्लियर होगा। टिक्स भी है, उससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, वो भी ब्लड पिक्चर में क्लियर हो जाएगा, फिर उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। ये तो अच्छी खासी थी यार, ठीक थी ये तो, बैठ गया है शायद ठंड की वजह से, धूप में रखेंगे उसको, वो करेंगे वॉश करेंगे, मसाज करेंगे इसकी, ताकि ब्लड सर्कुलेशन चल पड़े। उसकी कंडीशन धीरे धीरे और ख़राब होती गई, और इतनी ट्रीटमेंट्स करने के बावजूद भी हम उसको नहीं बचा पाए। कपड़ा नहीं है, इसको कपड़े की ज़रूरत नहीं है, ऐसी शांत है। टेल रीजन पे मैगेट बोन था काफ़ी, हमने मैगेट्स तो रिमूव कर दिए हैं और साथ में क्लीनिंग भी हमने कर दी है स्टार्ट, और पेन किलर और एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं। मैगेट वाउंड से उसको ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, क्योंकि मैगेट वाउंड जो है वो टेल के अपर पार्ट में, डेफिकेशन और यूरिनेशन में उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इंजेक्शन से काफ़ी जल्दी उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, तो उसकी इरिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। वेरी गुड बॉय, नो फीवर। इस डॉग को लेफ्ट ईयर में हेमाटोमा था पहले, पर अब वो ईयर में फाइब्रोसिस हो गई है। ऑपरेशन तो इसका करना ही पड़ेगा, पर अभी हमने इसका एग्जामिनेशन की है, इसके ब्लड पैरामीटर्स भी ले लिए हैं। ब्लड एग्जामिनेशन के बाद देखेंगे इसमें कितना एचपी वगैरह है और कितना इन्फेक्शन है, उसके बाद ही हम इसकी सर्जरी की डेट डिसाइड करेंगे।
ये जो पप है हमारे पास अनसुलझ के आया हुआ है। एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला है कि इसके हाइंड लेग में फ्रैक्चर है जो कि अभी काफ़ी हद तक हील हो चुका है, लेकिन उसकी स्वेलिंग अभी भी है। इस फ्रैक्चर साइट पे इन्फेक्शन भी है जिसमें पस भी आ रही है। पस को कंट्रोल करने के लिए अभी हमने इसका क्लीनिंग कर दिया है और साथ में ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर दिया है। इसको पेन किलर और एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं और बोन की हीलिंग के लिए हम इसके कैल्शियम सप्लीमेंट भी स्टार्ट करेंगे। ये कांगड़ा में मिला हमें मेन रोड ना। बच्चे कहाँ हो गया, ऐसे तो ना करते हैं। जो रेस्क्यू करके लाए थे उन्होंने जो लोकल वेटनरी है उस पर ट्रीटमेंट कराया था। इसका हाइंड लेग पे फ्रैक्चर है जो कि ओपन फ्रैक्चर है, प्लस उसमें स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा है कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस भी हैं, पर वो भी फील नहीं किए जा सकते क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। अभी हमने इसको पेन किलर पर रख दिया है, प्लस हमने इसकी अच्छे से वूंड क्लीन करके ड्रेसिंग कर दी है, प्लस इसको एंटीबायोटिक्स पर भी रखा है। और जैसे इसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी हम फ्रैक्चर को और एक्यूरेटली डायग्नोस कर पाएंगे। तो ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे कि डल काफ़ी बैठा हुआ था, पर हम गए देखने तो हमारे हाथ में नहीं आया। इसको फिर डिम्पल दीदी का बेटा ले आया था शाम को। कहाँ चले आप महाशय। एक सेकंड बाश बच्चा। ये स्किन स्क्रैपिंग ले रहे हैं हम क्योंकि स्किन टेस्ट करने से स्किन की कंडीशन है आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका स्किन सैंपल ले रहे हैं। उसका एलोपेशिया का दिक्कत थी, स्पेशली फोरहेड में और नेक रीजन में पैचेस बने हुए। एलोपेशिया मतलब कि बॉडी से हेयर फॉल होना, हेयर फॉल होने के बाद बॉडी पे जगह जगह पे पैचेस बन जाते। हमने उसकी क्लीनिंग कर दी है और स्किन सैंपल ले लिया है, और स्किन सैंपल का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उसकी मेन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे।